भाई हम आए मलेरकोटला से हादा नारा की धरती जिसे कहा जाता है, वहाँ से हमेशा जब भी जुल्म होगा तो वहाँ से आवाज़ उठती रहेगी मलेरकोटला से। और ये मेरे दिल्ली के भाई हैं जिन्होंने साथ दिया है हमारा यहाँ पे, कि मैंने किसी से पूछा था कि आपको कैसे लग रहा है कि धरना लगा, उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी धरना लगा रहे, कि यहाँ पे हमारे बच्चे कम से कम भरपेट खाना तो खा रहे हैं। ये उनके जवाब थे, बहुत इमोशनल, यानी कि एक वो मोमेंट थी जब उस बंदे ने बताया आंखें भर के कि भाई हमें तो गरीब बंदे हैं, इनके पास तो है अनाज, ये इनके बच्चे नहीं किसी के भूखे मरेंगे, जो भूखे मरेंगे गरीब आदमी के बच्चे, ये देखो आप और हमारी लड़ाई के लिए लड़ रहे, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ये, इसीलिए फ़र्ज़ हमारा भी है भाई। किसानों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, चारों तरफ जमावड़ा है, किसान दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन किसानों की खिदमत के लिए भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग हैं जो पंजाब से आए हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, ये मीठा डिश है, इसे हम जर्दा बोलते हैं, अक्सर ये जर्दा शादियों में यूज़ होता है, ठीक है, तो ये पार्ट है मीठा, तो मिठास आप लोग मिठास बांट रहे साहब। भाई हम आए मलेरकोटला से हादा नारा की धरती जिसे कहा जाता है, वहाँ से हमेशा जब भी जुल्म होगा तो वहाँ से आवाज़ उठती रहेगी मलेरकोटला से। और ये मेरे दिल्ली के भाई हैं जिन्होंने साथ दिया है हमारा यहाँ पे, मलेरकोटला के और भी टेंट हैं जो पीछे लगे हुए हैं जो खिदमत कर रहे हैं, मगर ये स्टेज के बिल्कुल आगे यहाँ पे ये दिल्ली और हरियाणा के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सारे हम मिल के पंजाब दिल्ली हरियाणा, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी खिदमत कर रहे हैं, खुश नसीब समझ रहे हैं अपने आप को कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि जो अन्नदाता किसान सारी दुनिया का पेट भरता है, आज हमें अल्लाह ने इतना मौका दिया कि हम इनकी थोड़ी सी खिदमत कर सकें। और इसके अलावा जो बात मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि पंजाब के जो किसान आए हैं वो साथ में 6-6 महीने का, 1-1 साल का लंगर लेके आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना खाना रोज़ बनता है कि यहाँ के सराउंडिंग एरिया से मैं कहता हूँ इतने हज़ारों आदमी यहाँ पे आके, बेचारे गरीब लोग, औरतें, बच्चे यहाँ पे लंगर चखते हैं। मैंने देखा, मैंने शाहीन बाग में भी देखा था, मैंने यहाँ भी देखा है कि खाना तो बनता है आप इन लोगों के लिए, लेकिन आसपास के तमाम जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, वो भी यहाँ पे आकर अपना पेट भर रहे हैं। अरे यहाँ पे किसी को मना नहीं, यहाँ से लेके आप जो 10 किलोमीटर तक जाएंगे, अगर किसान वहाँ से गांव से 3-3 गांव की टीमें बनी हुई हैं, तो अगर वहाँ से मान लीजिए 50 बंदे आए हैं तो डेली 200 बंदे का खाना बनाते हैं, और किसी को मना नहीं है, बल्कि हम तो जब आते हैं शाम को, जब कई बार ऐसे बंदे कोई, तो उनको हम पैक करके भी दे देते हैं, आप घर जाके भी यानी कि आप खा सकते हैं। और इतने खुश हैं कि मैंने किसी से पूछा था कि आपको कैसे लग रहा है कि धरना लगा, उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी धरना लगा रहे, कि यहाँ पे हमारे बच्चे कम से कम भरपेट खाना तो खा रहे हैं, ये उनके जवाब थे, बहुत इमोशनल, यानी कि एक वो मोमेंट थी जब उस बंदे ने बताया आंखें भर के कि भाई हमें तो गरीब बंदे हैं, काम नहीं है, और हमें यहाँ पे 3 वक्त का उन्होंने कहा कि, तो बहुत यानी कि खुशी हुई, ये महसूस, प्राउड महसूस हुआ पंजाब से, मैं भी पंजाब से हूँ, और कि इतनी महानता है पंजाब की कि अपने खुद किसान भाई मुसीबत में बैठे हैं इस वक्त, अपनी मांगे मनवाने के लिए खुद 60 दिन हो गए अपने परिवार से दूर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद गरीब लोगों को आज भी ये देखो खाना खिला रहे हैं, इससे महानता मैंने कहूँगा। और मैं शर्म करो सरकार को मैं कहूँगा कि जो ऐसे लोगों को, इतने दिलदार लोगों को, इतने भोले लोगों को जो तंग कर रहे हैं यहाँ पे लगातार, मानने को क्या बात है जब इन्होंने मांगा ही नहीं आपसे कोई कानून, ज़बरदस्ती आप थोप रहे हो, जो मांग रहे हैं ये किसान बेचारे वो मांग रहे हैं कर्ज़ा माफ़ी, आप कर्ज़ा माफ़ी क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी, MSP को क्यों नहीं आप ठीक है बढ़ा रहे और उसके ऊपर कानून बना रहे कि MSP से कम पे अगर कोई ख़रीद करेगा तो उसको सज़ा के क्यों नहीं प्रावधान बना रहे, मंडी सिस्टम को क्यों नहीं आप अच्छा कर रहे, स्ट्रॉन्ग कर रहे, वो सारा कुछ ख़त्म करके अपने पूंजीपति को सब कुछ ही बेच रहे हो यार, सरेआम देश को बेच दिया, और अंधभक्त अभी भी वही रागल आपने लगे हुए हैं, ठीक है, मैं विनती करता हूँ, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी आँखें खोल लो इससे पहले कि सब कुछ बिक जाए, पूंजीपतियों के हाथों में चला जाए, इससे पहले कि आपके बच्चे भी तो जो नहीं समझ रहे लोग उनको मैं अपील करता हूँ कि आपके बच्चे भी तो सफ़र होंगे ना, जो ये इनसे पूंजीपति जब इनका 30 रुपये किलो का समझ लो आटा, जब आपको 150 रुपये किलो में ब्रांड का ठप्पा लगा के, और ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा वो,
अगर उस पे आटे पे या चावल पे जो ये किसान उगाते हैं उस पे अगर अंबानी अडानी जी का ठप्पा लग जाए तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो, और 150-150 किलो 200-200 रुपये किलो जब आप ख़रीद के खिलाओगे बच्चों को, गरीब बंदा कहाँ से खिला देगा। भुखमरी में पहले हमारा देश आगे बढ़ चुका है काफ़ी, तो ये बहुत यानी कि गहरी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है यहाँ पे, इनके पास तो है अनाज, ये इनके बच्चे नहीं किसी के भूखे मरेंगे, जो भूखे मरेंगे गरीब आदमी के बच्चे। ये देखो आप और हमारी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ये, इसीलिए फ़र्ज़ हमारा भी है भाई, ठीक है। हम वहाँ से आए हैं, हादा नारा की धरती है, हादा नारा हम हमेशा वहाँ से मारा गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जब बच्चों को शहीद किया जा रहा था, वहाँ के नवाब शेर मोहम्मद खान ने हादा नारा मारा था जुल्म के ख़िलाफ़। औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप इस्लाम नहीं सिखाता कि बाप का बदला बच्चों से लिया जाए। तो आज हम मलेरकोटला के उसी जो हमारी तहजीब है वहाँ की, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का जो हमारा जज्बा है उसको पेश करते हो और हमारा साथ दे रहे हैं। ये दिल्ली के भाई हैं जी, ये जो पूरी टीम है, अंदर भी बैठे हैं हमारे भाई, तो सारे मिलके यहाँ पे अपने किसान भाइयों की खिदमत करेंगे इंसानियत के नाते। हम लोग एक तबका तो आपके खिलाफ खड़ा है, और एक एक मीडिया का बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से दूर है ये, आपको डर नहीं लगता कि एक एक मुहिम चलाई जा रही है आप लोगों के खिलाफ? देखिए हमेशा आप इतिहास पढ़ेंगे अगर, तो हमेशा हक के खिलाफ ऐसे बातिल लोग पैदा होते हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें हक की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर खड़े होते हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है, मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। अब एक सिख कम्युनिटी जो कि फार्मर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आंदोलन सिर्फ सिखों का है, पूरे किसानों का है, तो उसको आंदोलन को सिख हटाकर सिर्फ मतलब सिख फार्मर हटाकर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ये सिख आंदोलन है, खालिस्तानी बोला जा रहा है उनको, तो ये बड़ी शर्म की बात है। इन लोगों को ये चीज़ समझते हैं लोग, ये लोग जानते हैं, ये चीज़ समझते हैं, लेकिन इनका जो ये पेड वर्कर जो बैठे हैं ना सोशल मीडिया पर, और जो मीडिया बिक चुकी है हमारी, माइंड मत कीजिएगा आप नहीं है उन लोगों में, लेकिन ऐसे बहुत सी मीडिया हाउसेज हैं जो पूरी तरह से गोद, जिनको बोला जाता है गोदी मीडिया, वो लोग बिक चुके हैं और वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब यहाँ मौजूद होंगे, जब यहाँ पर आप एक दो दिन लगाएंगे, तो आपको ये एहसास होगा ये जो कौम लड़ रही है ना, ये पूरे देश के लिए लड़ रही है, इनका अपना कुछ मकसद नहीं है। इनका मकसद क्या है कि 20 रुपये किलो का अनाज जा रहा है, चला जाएगा। बात वही है कि जो भाई ने बोली कि है आप और हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इनके साथ खड़े होने का, कंधे से कंधा मिलाकर इनके अच्छी बातों को सामने लोगों तक पहुँचाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर जो जर्दा है वो टेस्ट करूँगा, है ना, थोड़ा सा जर्दा लूँगा, क्योंकि ये जो जर्दा, ये जो खाना है ना, ये सालों में, सैकड़ों सालों में कभी कभी मौजूद मिलता है। मिठास जो है ना आपको प्यार है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मिठास का देखिए, ये देग, इन देगों में ये पूरा तमाम जो खाना है, और अक्सर मैंने ये जो मुस्लिम शादियां हैं वहाँ पे देखा है, ये इस तरह का देगे लगती हैं, खाना बनता है, और ये एक बहुत जज्बे की बात है कि इतनी दूर से लोग आकर यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं, ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पर, और अब कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ खाएं, मीठा करें, और यहाँ से मीठा मुँह करके जाएं और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आगे भी आपसे बात होगी, लोगों की समस्या सुनेंगे, और हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह हम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।